सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो आपको आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है। दूसरा कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं होता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिज्म पार्ट बी। इसमें तीन एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पहले वाला पार्ट में, पार्ट ए में, दो एप्लीकेशन मैं बताया था, इसमें तीन बताऊंगा। सबसे पहले एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ। एक यह है, दूसरा यह है, तीसरा फिनॉल है। यहां पर यह नॉन प्रोलिफेरेटिव है, ये यहां आएगा तो मेसोमेरिज्म के द्वारा ये यहां आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डिप्राइव करेगा, छीनेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा छीनेगा, प्रोटॉन बनने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। प्रोटॉन बनने का चांस जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ तो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। इथाइल अल्कोहल में ये क्या है? ये किधर से पंप करेगा साहब? तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा नहीं, ये देगा मेसोमेरिज्म के द्वारा। इसमें तो दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हुआ, ये यहां दिया, ये यहां माइनस चार्ज आ गया, वो माइनस फिर यहां आएगा, फिर यहां माइनस हो जाएगा, वो माइनस यहां आएगा, फिर यहां। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या से ज्यादा है। ध्यान देना, ऑक्सीजन पर यहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर भी होगा, लेकिन इसमें ज्यादा होने का चांस है। इसलिए आपको फिनॉल जो होगा, यह तीनों में से ज्यादा एसिडिक होगा। यह आपका फिनॉल है और ये मान लीजिए एस्टिक एसिड है। ऐसा नहीं समझोगे कि ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या इसमें माइनस आई इफेक्ट है, या मिथाइल में इलेक्ट्रॉन पंपिंग, वो सब कुछ नहीं सोचना। बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखना होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप फिनॉल से ज्यादा एस्टिक होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। अब दूसरा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ। डायपोल मोमेंट म्यू बराबर क्या होता है? ई इंटू डिस्टेंस। ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डी हुआ डिस्टेंस। यहां पर मान लीजिए डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, और ये डिस्टेंस हो गया। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस तो यहां पर भी है, ठीक है ना? ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है। चार्ज जो भी थोड़ा बहुत कम अधिक है, लेकिन एक चीज यहां ध्यान देना, यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मेसोमेरिज्म के द्वारा ये यहां आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, डिस्टेंस घट जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस के बीच का, तो म्यू छोटा हो जाएगा। इसलिए डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका हुआ? इसका हुआ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसको भी साथ से साथ देख लो। यहां पर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ, यहां कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? यहां बॉन्ड लेंथ कम होगा, यहां ज्यादा होगा, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा देखें, दिस इज क्लोरोबेंजीन।
डेल्टा माइनस होगा यहाँ डेल्टा प्लस होगा, नहीं डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होगा ना, लेकिन ये जब यहां आ जाएगा ये ऐसे टूट जाएगा, मेसोमेरिज्म हो जाएगा, तो क्या होगा यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसे आएगा नहीं आएगा, बीच में ये डिस्टर्बिंग ग्रुप है, बेंजीन और क्लोरो के बीच में मिथिलीन है, इसीलिए आपका यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डिस्टेंस घट जाएगा, यहां डिस्टेंस नहीं घटेगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ इसका बड़ा होगा इसका छोटा होगा, बॉन्ड डिस्टेंस इसका ज्यादा होगा इसका छोटा होगा। डायपोल मोमेंट के लिए एक एग्जांपल मैं और दूं, ये फिनॉल है ये इथेनॉल है, यहां डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहां भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये यहां जो आएगा मेसोमेरिज्म के द्वारा तो क्या होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आ रहा है, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा डी घट जाएगा, इसलिए ज्यादा किसका होगा इसका होगा, मोर डायपोल मोमेंट, मोर डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है यहां पर तो ज्यादा होगा बॉन्ड डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब थर्ड पॉइंट कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ये होगा, कैसे होगा चलिए इसको देखते हैं। यह यहां आ सकता है, ये यहां जब आएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पर ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा इधर खींचेगा, इधर खींचेगा तो एक प्लस है अब प्लस और बढ़ जाएगा, तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज कॉजेज अनस्टेबिलिटी, मैं बराबर बोलता हूं, एक बिंदु पर यहां चार्ज बढ़ रहा है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज कॉजेज अनस्टेबिलिटी, ये अनस्टेबल हो जाएगा चूंकि नाइट्रो ग्रुप इधर खींच रहा है, ये भी इधर ऐसे कर रहा है, तो मेसोमेरिज्म यहां भी हो रहा है यहां भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा मेसोमेरिज्म यहां पर होगा, इट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय मेसोमेरिज्म देन दिस, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता टेंडेंसी ज्यादा है पर इस पर ऑक्सीजन के, ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो मेसोमेरिज्म के द्वारा ये यहां देगा यहां भी देगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा, क्यों मोर स्टेबल होगा, ये नाइट्रोजन ज्यादा देगा ऑक्सीजन का परिस्थिति, मेसोमेरिज्म दोनों में हो रहा है, तो ये कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय मेसोमेरिज्म, मेसोमेरिज्म इज हैपनिंग इन बोथ द कार्बोकैटायन, बट दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबलाइज्ड, क्योंकि यहां नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ऑक्सीजन के बनिस्पत ज्यादा है। लास्ट एग्जांपल, यहां पर है CH2+, ये कार्बोकैटायन है, इधर में क्या लगा NH2 लगा है, इधर में बेंजाइल कार्बोकैटायन,
कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये मोर स्टेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा। ये क्या हो जाएगा? यहां ऐसा आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो माइनस फिर यहां आएगा, ये क्या यहां आ जाएगा डायरेक्ट, या सीधा आप डायरेक्ट ऐसे करना चाहते हो तो करो। ये यहां आ गया, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो इट इज स्टेबलाइज बाय मेसोमेरिज्म। एमिनो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये मेसोमेरिज्म के द्वारा स्टेबलाइज ज्यादा हो रहा है। मेसोमेरिज्म तो यहां भी होगा, यहां प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा ऐसे लेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये यहां चल जाएगा, यहां पॉजिटिव होगा, ये यहां आ जाएगा। तो मेसोमेरिज्म यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन एमिनो ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसके चलते ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा घट रहा है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज मेसोमेरिज्म यहां ज्यादा हो रहा है इसके बने पर, इसलिए यह मोर स्टेबल होगा। इस तरह से आपने देखा एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिज्म दो पार्ट में हमने दिया, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों पार्ट मिला के मेसोमेरिज्म का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। इससे बहुत सारे सवाल आईटी इंजीनियरिंग नीट में रहता है। अब मैं अपने लेक्चर को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसे आप अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन क्लिक करना नहीं भूलेंगे, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा और मेरा वीडियो देखने वाले सबसे पहले होंगे आप।